नमस्कार, मी तुमची लाडकी गौरी म्हणजेच सायली संजीव, आणि तुम्ही आता आला आहात काही दिया परदेशच्या सेटवर. अर्थातच आता मी मुंबईत आहे, तुम्ही बघतात मला मुंबईत, पण तुमच्यासाठी सरप्राईज आहे, मी बनारसमध्ये पण. ते तुमच्यासाठी सरप्राईज आहे म्हणाले ना मी. ते होळी स्पेशल सगळं चाललं आहे आणि आपण जरा हळू बोलूयात, कारण हे सगळे रिहर्सल्स करतायत. कारण मला तो छोटा सीन होता पण यांच्या हातात 10-10 पानांचा सीन आहे आता. शिव, हां, क्या कर रहे हो तुम? रीडिंग. रीडिंग स्क्रिप्ट की? तुम्ही बघताय शिवला आणि ऑब्व्हियसली तुम्हाला कळत असेल मला कोणी रंगवलंय शिवने. आणि शिवशिवाय गौरीची आणि गौरीशिवाय शिवची होळी साजरी होऊच शकत नाही. अच्छा, ओके, नाईस. हाँ, हो सकता है ना. हाँ, तो बेसिकली आप जो मुझे देख रहे हैं, मेरी ऐसी बहुत बुरी हालत होगी ऑनेस्टली बताऊँ तो, पर अभी भी मेरी होली कंप्लीट नहीं हुई, अभी होली होना बाकी है. तो अभी जैसे हालत में आप मुझे देख रहे हैं, वैसी हालत में आप थोड़े समय में शायद गौरी को भी देखेंगे. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसे गंदा से गंदा करूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारे रंग लगाऊँ, मतलब उसके चेहरे का कोई भी पार्ट बिना रंग के नहीं दिखना चाहिए. पूरी पूरी की पूरी गौरी रंगों से भरी हुई होनी चाहिए. तो बदला घेतो, जाऊ दे तुम, प्लीज रीडिंग करो. मुझे सिर्फ बताइए कि बनारस में होली स्पेशल क्या होता है? बनारस की मतलब हमारे यहाँ तो मुंबई में, महाराष्ट्र में होली में पूर्णाची पोळी बनवता है. हमारे यहाँ बनारस में गुजिया बनाई जाती है. गुजिया बनाई जाती है, मठरी होती है, दही बड़े होते हैं, जलेबी और लड्डू और मालपुआ बहुत स्पेशल होता है. और उसके बाद स्पेशली ठंडाई, हाँ, करंजी और ठंडाई बनाई जाती है. और बहुत सारे लोग उसमें भांग मिक्स करके भी पीते हैं, पर जो पारिवारिक लोग हैं, परिवार वाले लोग, वो ठंडाई ठंडाई पीते हैं, जो आपके दिमाग को और आपके पेट को बहुत ठंडा रखती है. और रंगों से होली खेली जाती है. तरह तरह के रंग, जिस तरीके से हमारे जीवन में तरह तरह के भाव होते हैं, तो वो रंगों से एक्सप्रेस किए जाते हैं. रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं. भाभी और जीजा साली की होली होती है, फिर देवर भाभी की होली होती है, पर मर्यादा में रहकर होती है. और दूसरा, दादी जी भी आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं बनारस में होती हैं. ऐसी मान्यता है कि शिव जी इस दिन पार्वती जी का गौना करा के, उन्हें अपने मायके से गौना करा के अब ससुराल लेकर आए थे, तो उनकी बारात निकाली जाती है. फिर जैसे दादी जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मटका होली होती है वहाँ पे, मटका होली को देखने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं. और दिन भर और बल्कि सुबह अर्ली मॉर्निंग तक होली खेली जाती है गंगा घाट पर. और गंगा आरती बहुत मशहूर है बनारस की, और गंगा आरती होती है. भोलेनाथ का प्रसाद तो वैसे भी भांग खा जाता है, तो भांग ठंडाई में भांग घोल के भांग पी जाती है. शुक्रिया अम्मा जी. तो अपन बनारस की होली बघितली आणि अपन आता जाऊ. बाबूजी पण स्क्रिप्ट मध्ये आहेत. बाबूजी ना बहुत मज़ा आ रहा है. और ये त्योहारी मस्ती का है, मज़ा आ रहा है क्योंकि सारा परिवार साथ है, खुशी का माहौल है, तो हम भी खुश हैं. और आप सबको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से, कह दिया प्रदेश की टीम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं. हम जे डायरेक्टर हैं जे रिहर्सल घेतात, आपण त्यांच्याकडे जाऊयात आणि शुभेच्छा घेऊया. सगळ्यांना हॅपी होली. सेफ होली खेळा. डोळ्यात रंग जाऊ नये याची काळजी घ्या. फुगे खूप फोडू नका आणि स्वस्थ राहा. काही दिया परदेस माझ्या पूर्ण टीमकडनं तुम्हा सगळ्यांना हॅपी होली. थँक्यू सर. तुम्हा सगळ्यांना होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि बघायला विसरू नका काही दिया परदेस होळी स्पेशल. नमस्कार, मी सायली संजीव. डू सब्सक्राइब टू राजश्री मराठी.